अल्फा कंपनी का डुअल चार्जर और डुअल यूएसबी लगा कर वो चार्जर चल तो अच्छा है, पर ये वाला जो ये टूट गया गाइस, ये वाला मतलब ये काम कर रहा है बट इसका जो जोड़ा ये खराब हो गया, थोड़ा टूट भी गया है जिससे ये कभी भी आपको करंट मार सकता है। तो भाई इसको तो जोड़ने के लिए तो आपको चाहिए, तो आपको ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसका है हाउ टू फिक्स दिस। तो गाइस इसको तो ऐसे करके जोड़ देने पड़ेगा, पर ये देखिए गाइस ये फिट नहीं हो रहा है, फिर से खुल जा रहा है, फिर से लगा रहा हूँ, जितने बार लगा रहा हूँ उतने बार फिक्स फिट कर रहा हूँ। ये देखिए फिट किया, फिर से ये तो खुल गए गाइस। तो इसका बहुत ईजी सोल्यूशन है। तो आप लोग सोचो बहुत जन का है ये प्रॉब्लम की बहुत जो ये बहुत शॉर्ट वीडियो का ये पहले बोल दिया हार्डली 2-3 मिनट, पर मैं मोबाइल का थोड़ा ड्यूरेशन फास्ट है इसलिए 5 मिनट तो हो सकता है। तो गाइज ये ऐसा टाइप का है ये चार्जर, इसमें जो आप बहुत जन करता है कि इसको फेंक देता है, मतलब फेंक देता है नहीं तो कभी फेंक देता है नहीं तो कुछ 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 ना कुछ इसको बेच देता है नहीं तो कुछ करता है। तो इसको आप वेस्ट ना कीजिए, वही बेहतर है क्योंकि ये आपको अभी भी काम आएगा क्योंकि ये चल रहा है। सिर्फ ये थोड़ा टूट गया, तो ये टूटा कैसे वो भी बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी जब मैं एक्सकर्शन में गया था तो मम्मी घर का थोड़ा काम कर रही थी, उसके बाद अचानक ऐसे चार्जर को धक्का लगा दी थी और चार्जर नीचे गिर के ये खुल गया पूरा। तो ये अच्छे से अभी काम तो कर रहा है बट ये खुल, देखिए खुल जा रहा है फिर से। तो इसको हम क्या करेंगे सोलर स्टार्ट, तो पहले चेक करके दिखा देता हूँ कैसे इसका कंडीशन है, चल रहा है कि नहीं सोलर स्टार्ट। गाइस ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब मैं धीरे से ऑन करता हूँ यहाँ से क्योंकि इसमें करंट भी लग सकता है। तो गाइस को मैं चार्ज करके दिखाता हूँ मेरे सारे गामा कार्बन मिनी को, तो आपको तो ये तो देखिए लाइट जल रहा है इसमें। सो गाइस मैं पहले चार्ज कर देता हूँ, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग बट देखिए ये इसका लाइट जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर से ऑफ कर देता हूँ गाइस। आई थिंक एक वायर शायद कट चुका है, लाइट तो जलना चाहिए बट इट्स इन वर्किंग कंडीशन गाइस। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो गाइस छोड़िए और एक चीज़ मैं देखूँ मैं चार्ज कर रहा हूँ क्या नहीं। सो गाइस मैं अपना आईबॉल ग्लिंट का हेडफोन को चार्ज करता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे गाइस ये चार्ज हो रहा है गाइस। तो यही था, अब मैं बंद कर दूँ, वहाँ का सो गाइस एंड ना हम क्या करेंगे इसको, इस जो चीज़ है इसको हम एक 5 रुपीज़ का फेविक जो है उससे हम जोड़ेंगे इसे। सो गाइस ये यू कैन फिक्स दिस विदाउट एनी प्रोफेशनल टूल, अगर मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो सब बहुत सारा चीज़ यूज़ करके करके आपका खर्चा कर देगा 50 का। तो आप एक चीज़ का जो इसका जो चार्जर का जो दाम है 120 रुपया, वहाँ पर आप फ्री में आप सिर्फ 5 रुपये में अपने ये चार्जर को ठीक कर सकते हैं। तो यही दिखाना था गाइस, ये हो गया मैंने खोल दिया, खोलकर फेविक्विक को हम यहाँ जो इतना सब कोने में जो है यहाँ पे सब दे देते हैं लाइक दिस। धीरे धीरे देना क्योंकि आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि फेविक्विक से आपका पूरा हाथ का यहाँ पे चिकबक जाता है, 2 कोट देना हार्डली। अगर कर पाए तो 4 कोट ही दीजिए वही अच्छा होगा। तो धीरे आप रख दीजिए यहाँ पे, रख कर आप ऐसे करके अंदर लगा दीजिए। आई थिंक सो इट इज स्टिल फिक्स्ड, आई थिंक सो हाँ फिक्स हो गया गाइस।
तो गाइज ये फिक्स हो गया गाइज अभी, तो देखिए गाइज ये फिक्स हो गया अभी। तो गाइज और एक कोट मार देता यहाँ से जिससे एकदम ना खुले ये हेडफोन ये चार्जर, क्यों अगर खुल जाएगा तो फिर से आपको यही हाल होगा। एक तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं सुखा देता हूँ, 2 मिनट के लिए यहाँ पे। शिट, मेरा हाथ में थोड़ा बहुत लग गया। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख देता हूँ गाइस, हो गया अभी थोड़ी देर के, ये हो गया गाइस काम, अब ये थोड़ी देर के लिए ऐसे रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस मैं यहाँ पे चार्जर लगा देता हूँ, लगा दिया, हो गया गाइस ये सूखना। और अभी इसको मैं थोड़ा चार्ज दे देता हूँ, चार्ज दिखाता हूँ इसको, कहाँ गया पिन, हाँ ये देखिए गाइस ये चार्ज हो रहा है, ये तो गाइस देख पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, हो गया बंद, फिर से ऑन किया चालू हो गया। इतना सही आपका काम था गाइस, तो कर ली चले मेन टॉपिक में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस आप देखें कि कैसे आपका वो जो मोबाइल का जो जो ट्राईपॉड से मैं मोबाइल का चार्जर जैसे मैं जोड़ के मैंने कैसे कर दिया चलाने के लिए। तो ऐसे करके आप भी अपने मोबाइल का चार्जर का टूट गया तो वैसे आप कर सकते हैं। अगर स्क्रू ड्राइवर वाला हो तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ से टाइट कर देंगे, पर ये वाला आपका वैसे टाइप का तो नहीं है, ऐसे रख के जोर से प्रेस करो अंदर घुस जाता है। पर अभी तो आप देख पा रहे कि पर ये वाला मैंने कैसे मैं वहाँ पे टूट चुका था तो वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे करके वो तो नहीं होगा इसलिए वहाँ पर फेविक देख कर मैं जोड़ दिया। ये प्रोफेशनल टूल में के बिना भी आप ये कर लेंगे। जैसे आप अभी तो आप लॉकडाउन चल रहे हो तो अभी तो चार्जर मिलने का तो चांस नहीं है ज़्यादा तक, बट फेविक्विक तो मिल जाएगा जिसे भी मुदीखाना दुकान में जाओ। तो यही आपका था वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जिगी सौम्या मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई फेसबुक पेज जिगी सौम्या मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट द इलेक्ट्रॉनिक्स जीनियस 2018। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो भी तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, आएगा पर थोड़ा लेट होगा, तो उसके मिडिल में अगर मन किया तो और एक वीडियो डाल दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैक्सिमम आने वाला है आपका जो काइनेटिक होंडा जो मेरा स्कूटर है आप देखे थे, तो उसको लेकर एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं उसका जो ब्रेक शू रियर जो ब्रेक शू है उसको मैं रिप्लेस करूँगा। वो पूरा ख़राब हो चुका है जिससे मेरा जो व्हील जो है वो अटक जा रहा है हर वक्त, जब भी मैं चला रहा हूँ स्कूटर का वो व्हील हर वक्त अटक जा रहा है, जब मतलब पुश करके मैं बाहर लेकर जा रहा हूँ मेरा व्हील खाली अटक जा रहा है ऐसे करके, तो वो मैं ब्रेक शू में रिप्लेस करूँगा। और इसके मिडिल में भी मैं होंडा एविएटर में मेरा जो ऑयल जो है उसको मैं पूरा निकालूंगा, निकाल के पूरा नया ऑयल डालूंगा जो 40 ऑयल। तो बस इतना सही था। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीजी सौम्या मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक जीनियस 2018, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय फेसबुक पेज जीजी सौम्या मोहन। एंड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, नाउ बाय।